नमस्कार प्रथम खबर को स्वागत करुछे मु शक्ति बुलेटिन को आकु नबा किंतु प्रथमे देखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस। टोकियो ओलंपिक रे भारतीय पुरुष हॉकी दल ऊपर विश्वर नजर, चैंपियन बेल्जियम को टक्कर देबाकु पड़िया रे भारत सेमीफाइनल जीती इतिहास रचिबा लक्ष्य रे टीम इंडिया। सबटे ओडिया हॉकी तारका अमित रोहिदास को गांव रे जिला प्रशासन रो स्वतंत्र व्यवस्था। चाकिर विदा हेले कोटिपति पीएस विरंची साहू, दिगला बाध्यतामूलक अवसर। एपटे पुणी आसला स्थानीय अभोग, आरटीआई तथ्यु सामना को आसी सांघातिक सत। कम मार्क रखि पिला सिलेक्ट, अधिक मार्क रखि पिला रिजेक्ट। एसएफ सौम्य मृत्यु मामलें सांघातिक अभोग आणिले सौम्यों बापा, घटनार 22 दिन पर भी नो आक्शन, न्याय हाइकोर्ट जावाक चेतावनी। चाप परे विद्यांकु जेरा प्रक्रिया आरंभ कला गजपति पुलिस। श्रीमंदिर व्यतीत पुरी रे आज खोला है समस्त धर्मानुष्ठान और पर्यटन स्थली। महाप्रभु दर्शन में भक्तों प्रवेश नहीं पूर्वपर जारी रटका। सेपटे आज संबलपुर में श्रद्धालु को दर्शन देवे माँ समलई। राजधानी आज पर्यटकों पर खोला है नंदनकानन प्राणी उद्यान। जाजपुर टाउन अंकुलारे मद दुकान खोलिबा को विरोध, स्कूल और मेडिकल परिसर में मद दुकान को ना। सेपटे मद दुकान पर लांच जाचुवा कांग्रेस नेतां का फोन रेकर्डिंग भाइराल। पंड हैला नाबालिका को विवाह करी दुबई पठाइबा योजना, झील को बिक्री करार योजना रची मां। बापार अभोग नाबालिका को उद्धार कले बीजेपी नेत्री, नाबालिका झील को चाइल्ड लाइन को हस्तांतर कला पुलिस। पूर्वतन विधायक अरुण दे परलोक भुवनेश्वर घर हस्पिटाल चली चिकित्सा, किसी दिन धरी असुस्थ। बालेश्वर पांच थर विधानसभा को होते निर्वाचित। मार ममता भूलीगला जन्म कला माँ, झी रोगिणा हो जन्म होवर छाड़ी चलीगला जंत्रणार छटपट। 19 मास शिशु कन्या परिणत वयस बुढ़ी माँ ही साहा भरोसा। टोकियो ओलंपिक्स पुरुष हॉकी सेमीफाइनाल रे भारत बेल्जियम टक्कर। विश्व चैंपियन बेल्जियम को हराई फाइनाल रे प्रवेश करने लक्ष्य नहीं पड़िया को ओह्लाई टीम इंडिया। 19 वर्ष पर आउ एक ओलंपिक पदक जितवा दिगरे भारतीय दल टोकियो ओलंपिक रे निज ऐतिहासिक विजय धारा सह पांच दशंधि पर सेमीफाइनाल खेलुची भारतीय हॉकी दल। 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स पर प्रथम थर पर कौन ओलंपिक्स सेमीफाइनाल मैच खेलुची भारत। ओलंपिक रे समृद्ध इतिहास फेर मनप्रीत सिंह का नेतृत्वाधीन दल अग्रसर होता बेले विश्वर नजर रही आज मैच उपरे। ब्रिटेन को 3-1 रे हराई ओलंपिक्स सेमीफाइनाल रे पहुंची भारतीय हॉकी टीम। आज 7 सेमीफाइनाल रे बेल्जियम को टक्कर देवा को पड़िया को ओह्लाई सारी भारतीय टीम। 49 वर्ष पर भारतीय हॉकी दल को सेमीफाइनाल खेल सुजोग मिली। तेज भारतीय हॉकी टीम रे सुंदरगढ़ हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और वीरेन्द्र लाक्रा स्थान पाई। अवसर में सुंदरगढ़ वालीशंकर ब्लॉक सोनामरा गाँव में हॉकी मैच सीधा प्रसारण पर व्यवस्था कर जिला प्रशासन। अमित रोहिदास तथा हॉकी तारका दिलीप तिर्की भली हॉकी खेला जन्मस्थान यही सोनामरा गाँव में वर्तमान खुशी लहरी खेली जाएगी। ओलंपिक रे भारत निश्चित स्वर्ण पदक हासिल कर आशा रखिंट गाँ लोके। हॉकी कोच मिल्टन बिलुंग एवं जिलापाल निखिल पवन कल्याण को उपस्थित में एलईडी स्क्रीन माध्यम लाइव मैच देखिए गाँ लोके। तो सेमिफाइनाल मैच आरंभ हो जाएगी। जदियो प्रारंभिक खबर जहाँ आसूचे भारत पर किछिटा निराशजनक हो पारे किंतु आशा एवं भी मौली ना कारण बेल्जियम प्रथम गोल दे 1-0 आगुआ अच्छी वर्तमान सुधा।
एवं मैच आहुरी अनेक समय बाकी अच्छी भारत हाथ में भी सुजोग अच्छी आम आपको नहीं जाऊँ अमित रोहिदास गाँ सोनामरा को सेठू आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सागर पटनायक। सागर कड़ा टक्कर चली बेल्जियम भारत भितर 49 वर्ष पर गोटे इतिहास रचिबा र आशा देखादी भारतीय टीम पाई एवं सबुठ गर्वर विषय जे अमित रोहिदास ओडिया खिलाड़ी टीम रे अच्छा तो सोनामरारे केमती देखुं वर्तमान परिवेश सोनामरारे खुशी लहर वर्तमान खेली जाइए कारण दीर्घ 49 वर्ष पर सेमीफाइनाल रे पहुंची भारत सेमीफाइनाल रे पहुंची भारतीय हॉकी टीम जदियो जहां बोल दे सारे कि तथापि आम आशावादी अच्छु जे इंडियन हॉकी टीम निजर फॉर्म को आसिबो एवं जहां कि यही टीम रो जहां बड़ स्ट्रेंथ जहां कह जाउछि जे वर्सटिलिटी अच्छी 10 जन प्लेयर एभली अच्छा जे सेने गोल दे पारे जहां कह जा अमित रोहिदास जी अच्छा कि भारत वर्तमान डिफेंडर अच्छा जहां परफॉर्मेंस रही ता यही ओलंपिक्स जर्नी रे ता बहुत अधिक भल रही जहां कह जाणु दम रे वर्तमान हॉकी रे सेमीफाइनल रे विजय लाभ करठाकर लोके आशा कर आशा करतमान आम अच्छु अमित रोहिदास घरे माँ एठारे माँ को प्रतिक्रिया अमित जी मैच तो खेली नौ तारे पर आज्ञा बाबू फिर मना कर वर्तमान सुधा जो भाव खेली अमित रोहिदास केमती से वर्तमान रक्षण एक गुरु दायित्व रही अमित रोहिदास को ऊपरे कौन कहिबे आज फाइन से सेमीफाइनल जितबा बोली तो आशा करी छु अमित रोहिदास केंति जितिए बोली आपण अगुरु भाबितले पूरा भाबी छु पूरा फाइनल खेली करी आसबा बोली करी भाबी छु समस्त पूरा हां फाइनल जनते हेल भी खेलबे कहि करी हमर आशा अछि तो सभे सभे पूरा खुशी अछि छु तो 1980 पोरे वर्तमान प्रथम तोर कर के एक आशा देख ओलंपिक्स रो गोल्ड मेडल भारत आनी परियो बोली आनी पारी बार बोली तो आशा करी छु अच्छा हमर तो पूरा आशा अछि कोन कहबे अमित रोहिदास को विषय कोन कहबे केमति से खेल जीवन तंकर आरंभ करतिले केमति रहितला तंकर संपूर्ण जर्नी खेल तो बहुत गुलगुला अगली तो से बाड़ी बोंस बाड़ी काठी खेली करी खेलुतला अगली तो बहुत हमर परिस्थिति खराब थिला बहुत गुलगुला थी हमें पढ़े छु छुआ के हॉस्टल दे थी जे मुई पैसा रो अभाव लगी मैं देखी जे नहीं पारु थी आज्ञा हॉस्टल के एबे एबे बहुत खुशी थी एबे बहुत खुशी खुशी अछु तार ओलंपिक खिलाड़ी कहि करी स्वप्न करी थी लेको स्वप्नटा मोर छुआ सहु कोशिश करी करी तापने भी खूब मेहनत करी करी एटा ओलंपिक टा पहुंची गला अच्छा ए गाँव रु आम देख लु चार जन अंतर्जातीय खेलाड़ी गाँव रु ये गाँ मटी एम कौन अच्छी चारि चार जन ओलंपिक्स खेल गले गाँव रु कौन कह अच्छा तो आज्ञा पहला तो सुहद राय दे दिलीप तिर्की हेनु तार पछे पछे तो यही ने जाऊन तार बापा भी हमार हॉकी खेलु थे अगाड़ी मैच कहले सबुठ ने तार बापा क्रिकेट हो हॉकी हो तार बापा बहुत इंटरेस्ट थी लगी तार छुआ हेले बहुत इंटरेस्ट थी रही गला हाँ मुझे जनता भी खेल भी कहूला मुझ ये छोटे बेले हेले डरु थी कह जे मना करू थी जे मना नहीं होता नहीं माँ कि नहीं है मुझ खेल भी कही करी तार जीवन की पूरा हॉकी थी नहीं कर से पाँच क्लास इन बाहर ला कि नहीं हो गला निश्चित भाव जहाँ आप प्रतिक्रिया शुणी छोट बेलु अमित रोहिदास खेल प्रति इंटरेस्ट थी बापा खेल प्रति गभर ई रही इंटरेस्ट रही सोनामर गाँव रि कथा कहार हकीर एंतुटीशा कह जाए कारण चारि चारिज अंतर्जात खेला गाँव रू
यही गाँव रु ही उत्पत्ति होती दिलीप तिर्की अमित रोहित दास भली प्लेयर अंतर्जातीय प्लेयर मैंने रही आम सागर रही पर आज जन सदस्य पचार कौन कह अमित रोहित दास जो भाई भाव में परफॉर्मेंस रही रक्षण बहुत भल भाव कर गोल हे दौना जहाँ गत मैच रे भी आम देखीलु जे ब्रिटेन सांगे जो होता पेनाल्टी कर्नर लास्ट 15 मिनिट भितर तीनोटी पेनाल्टी कर्नर होता है सक्सेसफुली आम जो डिफेंडर मैंने रही अमित रोहित दास खास करोकबारे सक्षम होते कौन कहे के लगुच आमको तो बहुत खुशी लगुच से एमती गोल बचाई टीम को रक्षा करसपाई से गौरव आनी से आम बहुत खुशी आमती प्रदर्शन देखे आम खुशी होमती से आग को भल से सेमिफाइनाल जितबे आग को फाइनाल भी खेल बोली आशा तो रखीचु निश्चित भाव में एक आशार आलोक जहाँ कि आम देखा पाच अमित रोहित दास फैमिली आशावादी अच्छा जे 1980 रे गोल्ड पाई ओलंपिक्स रे भारतीय हॉकी दल किंतु तापर वर्तमान सुधा हॉकी सेमीफाइनल सुधा पहुँचवे सक्षम हो नाला किंतु चलित थर टोकियो ओलंपिक्स रे भारतीय दलर भल परफॉर्मेंस रही लगातार भल उन्नति निजर परफॉर्मेंस रे करी भारतीय दल वर्तमान सेमीफाइनल रे पहुँची जाइए और बेल्जियम सहित आज जो मुकाबला रही भारत निहाती भाव बोली एठाकर लोके आशा कर निश्चित भाव गोल्ड मेडल जहाँ कि अति निकट रे वर्तमान भारतीय दल रही जहाँ कि वर्तमान आम देखा पाई जे भारतीय दल एक गोल करी बेल्जियम सांगे बेल्जियम बेल्जियम को टक्कर देलानी तो निहाती भाव आम आशा कर सागर बहुत बहुत धन्यवाद सागर पटनायक आम प्रतिनिधि जे कि सोनामरा गाँव रे जोटा कि अमित रोहित दास गाँ से पर प्रतिक्रिया नौते सब गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ वर्तमान आसूरी भारतीय टीम एक एक बराबर कर देछि मैच को बेल्जियम जो 1-0 रे लीड करूला अगुआ थिला वर्तमान भारतीय टीम गोल देछि एवं एक एक मैच बराबर होइछि अर्थात आशा उज्जीवित एवं समस्त आशा अच्छी 125 कोटी भारतीय आशा रखुछंती जे इतिहास रचिब भारत एवं सेमीफाइनाल बेल्जियम को परास्त करि मात देकी फाइनाल को उन्नीत हेब तो समस्त आशा रही भी आशा रखा तो अमित रोहित दास परिवार सदस्य प्रतिक्रिया नौले सोनामरा हूँ हॉकी खेला अंतुड़ीशाल जो कथा कहते आम प्रतिनिधि सागर पटनायक कारण बहु अंतर्जातीय हॉकी दिलीप तिर्की यूँ हिं घर यूँ हिं जन्म तो सीठी उत्साह समस्त भितर पर प्रतिक्रिया आप शुणुले तो यह खबर पर लगातार नजर मध्य आगक र आगू मध्य खबर रही किंतु प्रथम खबर समय गोटे छोट विरोध से टोकियो आउ एक खुशी खबर आसुची भारत एवं बेल्जियम भितर जो चली सेमिफाइनाल मैच भारत 2-1 वर्तमान आगुआ रही जा एक एक बराबर करथिला प्रथम बेल्जियम जदिओ लीड नहीं थिला किंतु एक एक बराबर कला वर्तमान 2-1 वर्तमान मैच रे लीड करुछ भारत तो समस्त आशा अच्छी सेमिफाइनाल कमाल करिवे भारतीय खिलाड़ी एवं इतिहास रची फाइनाल प्रवेश करिवे टीम इंडिया तो समस्त नजर रही आम आपको लगातार अपडेट आपखे पहुँचेबू टोकियो किंतु परवर्ती खबर उपर वर्तमान नजर पकाइबा विरंची साहू गिरफ पर खोलुछि ओएसएससी विभाग गोटे पर गोटे गुमर मार्क कम रखि पिला सिलेक्ट अधिक मार्क रखि पिला रिजेक्ट आरटीआई तथ्य सामना को आसी सत 2010 मसीह ओएसएससी जूनियर आसीस्टाट निजुक्ति होती दुर्नीति केन्द्रापड़ चिन्मय रखी 177.25 मार्क हेले निजुक्ति 175 मार्क रखि प्रार्थी अधिक मार्क रखी अजोग्य घोषित होती चिन्मय विजिलेंस द्वारस्थ होती चिन्मय केवल विरंची नुहंती यहाँ पचर एक बड़ राकेट वर्ष वर्ष धरी काम करुच्ची एवं चाकरी आशाई ठार लक्ष लक्ष टंका लांच आदाय विभिन्न आड़ अभियोग आसवा आरंभ हो तेणु सोमवार राज्य सरकार विरंची विरोध में कार्यानुष्ठान नहीं साधारणतः विजिलेंस चढ़ाऊ बेले कहीं धरा हेले अभियुक्त को चाकरी निलंबन करा बेले विरंची को चाकरी बाध्यतामूलक अवसर दि जाइए घोषणा कर
अधिक अपडेट पाई आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि रोशन रथ। रोशन जो भाई भाव में ओएसएससी विभाग में गोटे पर गोटे गुमर सामना को आसुची किभ भाव से चाकरी दवा ना रे चंचकता चली तो केवल विरंची ना या पर आहुरी अधिक पेड़ी खोली पारे विजिलेंस विभाग तार तदंत को आगु को बढ़ेबो शक्तिशाली आम जो देखा विजिलेंस विभाग जो भाई भाव में कार्यानुष्ठान पर वर्तमान गत काली राज्य सरकार जे विरंची साहू गिरफ्तार बाध्यतामूलक अवसर देते कि बड़ कथा हूँ विरंची बाबू जे केते वर्ष धरी से कला कारनामा चलते तार गोटे पर गोटे गुमर खोलिया लगी 2010 मसीह जत गोटे तृतीय श्रेणी परीक्षा बाहर जो पदवी पाई से ही समय चिन्मय नामक जने व्यक्ति अप्लाय करते किंतु जितेबले से उचित मार्क रखी सिलेक्शन हो नाकरी मन संदेह होता 2011 मसीह से आरटीआई रे तथ्य मागी से तथ्य रू से जाना को पाई 177 नंबर अच्छे आउ जे व्यक्ति जिते नकल मागी केते मार्क से रखी से स्पष्ट भाव में उल्लेख रही 175 हूँ कट ऑफ मार्क दुईट मार्कशीट को लेकिन अभियोग करते ओएसएससी विभाग को जाइए जिते 177 नंबर से रखी आउ 175 कट ऑफ अच्छी तेरे से कमी चाकरी पाईना से कमी चाकरी वंचित होती से समय जे तत्कालीन ओएसएससी विभाग चेयरमैन थिले से तांको सामनारे विरंची साहू को डाकी कही एभली भूल कहीं तार जांच करा जाओ एवं परे ओएसएससी विभाग रु चिन्मय को गोटे लेटर जाइला जो थे उल्लेख कराइला 175 कटअप नुह से भूल 175 कटअप टाइप हो जाता बर 177.50 हूँ कटअप मार्क तेणु प्रश्न उठू बास्तव में 175 कटअप थिला ना सिलेक्शन पाई व्यक्ति को सिलेक्ट करागलानी बोली निश्चित रूपे तार जवाब दवाब को पड़ो ओएसएससी विभाग को जे एभली कहीं हेला ये सतरे गोटे अनिच्छाकृत त्रुटि थिला ना जानी सुनी की एक परिवर्तन करा जाइतला। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सूचना पाई। परवर्ती खबर को जीवा 22 दिन बीती जाइले भी एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्यु पर्दा हटे पारे मुख्यतः बहु विद्याभारती बयान को सहजरे विश्वास कर पारना सौम्य परिवार पुलिस तदंत प्रक्रिया को नहीं अनेक प्रश्न सृष्टि हो 90% रु अधिक पोड़ी हो जाए जे व्यक्ति केमी निज बयान दे रेकर्ड करा से प्रश्नर उत्तर क्या पाखे ना ए सब भितर तदंतकारी दल सोमवार कप्तिपदा आसी विद्या पुणी जेरा करद्या तदंतकारी दल संतोषजनक उत्तर पाई ना आज पुणी विद्याभारती जेरा कर दल इस संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम सहित जोड़ी होती उदलारू आम प्रतिनिधि संतोष बाछिनी। संतोष आज पुणी पारलाखेमुंडर पुलिस टीम विद्याभारती जेरा कर तो केते बड़े टीम आसीबो एवं जो कथा गत काली जेरा करते कौटी रही गला कौ क्षयटा पाई विद्याभारती टीम जो कि पुणी थे जेरा करने को आज आसुच्छी देखु बहुत चर्चित एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र जो तदंत मृत्यु घटना एपर्त कौन सत्यर पर्दाफाश हो पारे जदि आम ये केवल एति कहवा जितेबाला सौम्यरंजन एसीएफ सौम्यरंजन जो घटना हो कि घटना हो कि आत्महत्या हो ये घटना केवल विद्याभारती सहधर्मी पाखे थे सरकारी क्वार्टर थे किए थी ना से कथा ना तो तथापि यही घटना को नहीं आज पुणी एक टीम स्वतंत्र टीम आसी घर पाखे पहुंचा कर्तृपदार गौर गांव से तो आज जना पड़ब जेटा कि आज की 22 दिन बीतीगला 22 दिन पर पुलिस करुच तदंत करुच तना घना करुच छानभिन करुच तो जेटा कि गत 19 तारीख दिन अच्छी पुलिस एक 5 जना टीम मान ये माराथन जारा कर विद्याभारती पर बापा माँ को किंतु एपर्त कहने पारना कि आज अपेक्षा अच्छी जेहतु पारलाखेमुंडर पुलिस स्वतंत्र टीम आसी मानते गौर गाँव में पहुंचे कर्तृपदार पहुंचे कौन जारा करते मान अपेक्षार अच्छा जेटा कि स्थानीय अंचल बहुत प्रतिक्रिया प्रकाश पाई घटना को नहीं किंतु आज देखा बाकी अच्छी तो टीम केते बेले पहुंचे प्राय 8-9 भितर जाम पाखे सूचना अच्छी सका 8-9 भितर स्वतंत्र टीम अच्छी गौड़ गाँव में पहुंचे कर्तृपदा थाना पहुंची
ସେମାନେ ଆସି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜାରା କରିବେ, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତଥାପି ଯେବେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। सूचना पाई संतोष बाछनी आम प्रतिनिधि उदलार जो भाव में सूचना दौले कि आज पुणि थे आसूरी पुलिस टीम पारला कमुंडी टीम एवं जेरा कर विद्याभारती विद्याभारती जो जो कथा आदाय करने कथा कारण ये घटन चेतावनी देवापर हाइकोर्ट जावाई सौम्य पर पुणि थे पुलिस बाध्य आसी जेरा करने विद्याभारती गत भी जेरा होता कितु सतोषजनक उत्तर मिल ना आज पुणी जा पुलिस टीम तो कौन आदाय करुच्छी विद्याभारती किसी सत बाहर करें समस्त नजर रही से घटना उपर आग को भी खबर जारी रही है कि समय होती प्रथम खबर आउ एक छोट विरतिर पुरी जिला लागू है नुआ कोविड गाइडलाइन श्रीमंदिर व्यतीत अगर समस्त धर्मानुष्ठान और पर्यटन स्थल खोल को मिलला अनुमति 61 वर्षरु अधिक वयस्क 10 वर्षरु कम पिला गर्भवती लागू रहिबा कटकणा सकाळ 6टा रु राति 8टा जाए खुला रहिबा मंदिर और पर्यटन स्थली सेडे सप्ताहांत सटडाउन केवल सहरांचल लागू हेबा राति 8रु सकाळ 6 जाए नाइट कर्फ्यू लागू हेबा मास्क और सामाजिक दूरता को दिजा प्राथमिकता अवमानना कले हेबा दृढ़ कार्यानुष्ठान पुरी जिला प्रशासन पक्षर यह सूचना दि जाएगी। आज ठार खोलुची समबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर माँ समलेश्वरी दर्शन करेंगे श्रद्धा समलेश्वरी मंदिर व्यतीत जिलार अन्य समस्त मंदिर खोल समलेश्वरी मंदिर में जमी भिड़ न जमे से एसओपी जारी कर जिला प्रशासन सका 6टा दिन 11टा 30 एवं अपराह 3टा रु 7टा 30 पर्यंत खोला रहिबा माँ का मंदिर 65 वर्षरु अधिक 10 वर्षरु कम एवं गर्भवती महिला मान को मंदिर न जीवा को कहा जाय छी। भक्त दर्शन करिबा समय मास्क व्यवहार करिबा सामाजिक दूरता मानिबा हाथ सानिटाइज करिबा बाध्यतामूलक करा जाय छी। नै समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड कमिटी एवं जिला प्रशासन बैठक में निष्पत्ति नै छी। अधिक अपडेट पाइम सहित जोड़ी होती समलेश्वरी मंदिर निकट आम प्रतिनिधि मलय भई। मलय आज ठारु पुणि थरे माँ समलेश्वरी मंदिर खोलुची तो से कौन व्यवस्था कर भक्त मनर केमती उत्साह आप देखुंत निश्चित प्रकार सभी सारे देखो जे कोरोना द्वितीय लहर जिते कमी कमी आसला कोरोना संक्रमण जिते कमी कमी आसला सरकार कहले जिला स्तर जिलापाल निष्पत्ति ने मंदिर जो धर्मानुष्ठान मान रही खोल दिजाव तो गत रविवार दिन संबलपुर जिला प्रशासन पक्ष बैठक होता समलेश्वरी मंदिर कमिटी पक्षर तो या आज माँ समलेश्वरी मंदिर खुली आप देखिए चित्र समलपुर समलेश्वरी मंदिर चित्र आप देखते ये हूँ मंदिर पशपट एपटू भक्त मैंने जातर को दर्शन कर सारापर एक्जिट गेट अच्छी एक्जिट गेट देखने प्रस्थान होगा रास्ता को बाहर सीधा सल मंदिर मुख्य पूजक प्रतीक्षा रखा आज्ञा देखु पखापाखि दुई रू तीन मस कोरोना द्वितीय लहरी समय मंदिर बंद रहता आज तो मंदिर खोला होगी प्रथम कथा केमती लगुच आज्ञा देखो स्वाभाविक कथा मंदिर टा कह बंद ना खाली सूर्यपराख हवा कि चंद्रग्रहण हवा मंदिर टा बंद रहसी बाकी आम समलपुर से कर्फ्यू हेले भी आम मंदिर खोला रहसी क्या बेमारी गोटे आई मानने जेनटा कि सरकार मंदिर बंद कले बाध्य होचन जेहेतु आम मंदिर मानने बहुत भक्त आस्था रहसी गोटे कि कार के दुख जो पड़वा बेले भक्त मैं आस माँ के दुख जनासन तो यहाँ तीन मस उतार मंदिर तीन मस मंदिर बंद ही भक्त मैं तो बहुत दुख करुले क्या कर कार के गुहारि पिंती है कही ना पार्थले से लगे बहुत आतुर होते कि मार मंदिर टे खोलू आम दुख जनामु सब कहमु बोल कि सरकार जेन आम कलेक्टर महोदय को जेन देदेले मानने मंदिर खोलवार लगे कब खोलबे से विचार कर कहले यहाँ आम कलेक्टर आज यहाँ मंदिर के खोलवार लगे परमिशन दे आती बोल कि आम बहुत खुशी कलेक्टर को आम पुजारी मंगल बहुत बहुत धन्यवाद।
ଦେଖିଲୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। ଆଉ ଏଭଳି କି ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାମୟିକ ଦୂରତା ମାନୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କି ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମନା କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଳୟ ଭାଇ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲୁଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ SOP ଭିତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଖବରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।